नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विस में। स्टडी फॉर सिविल सर्विस के साथ में तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके, यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। देखिए ये हमारा SCS डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई, इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आते रहते हैं, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। डे नंबर 26 सॉल्व करेंगे यहाँ पे, इलाहाबाद हाईकोर्ट की डेली क्विज जो होती है उसके लिए। तो बिना किसी देरी के देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको एरर फाइंड करना है, तो देखिए सेंटेंस हमारा क्या है कि स्लो स्माइल वर्कड इट्स वे क्रॉस हिज फेस एंड इनटू हिज आइज। ठीक है, तो देखिए बाकी सब तो ठीक है, वे क्रॉस नहीं, वे अक्रॉस होता है ना, जो करेक्ट प्रीपोजिशनल पोजिशन है वो वे अक्रॉस, तो हमारा जो बी पार्ट है ये इनकरेक्ट हो गया, बाकी का पार्ट जो है वो ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे भी आपको एरर फाइंड करना है, तो देखिए क्या है कि हिज एक्सप्रेशन गेव नो क्लू ऑफ व्हाट वाज गोइंग ऑन अमंग हिज हेड। तो देखिए अमंग का जो यहाँ पे यूज है ये टोटली रॉन्ग है, यहाँ पे होगा इन हिज हेड। ठीक है, तो जो प्रीपोजिशन यूज हुआ क्या हुआ कि हिज एक्सप्रेशन गेव नो क्लू ऑफ व्हाट वाज गोइंग ऑन इन हिज हेड, तो ऑप्शन हमारा जो सी है दिस इज इनकरेक्ट। अब यहाँ पे ब्लैंक स्पेस आपको फिल करना है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि आफ्टर बीइंग गिवन ब्लैंक स्पेस वार्निंग्स फॉर डिसरप्टिंग क्लास, विकास वॉज फाइनली सेंट टू द प्रिंसिपल्स ऑफिस। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ होगा कि उसको वार्निंग्स दी गई क्लास को डिस्टर्ब करने के लिए, तो न्यूमरस वार्निंग्स जो है वो यूज़ करेंगे यहाँ पे, है ना, कि उसको कई बार चेतावनी दी गई लेकिन फिर भी वो माना नहीं, तो उसको फिर उसके बाद प्रिंसिपल ऑफिस भेज दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे भी ब्लैंक स्पेस आपको एक फिल करना है, तो देखिए क्या है कि द ब्लैंक स्पेस प्रिटी अगली इम्प्लाइज दैट अ पर्सन कैन बी बोथ अट्रैक्टिव एंड अनअट्रैक्टिव एट द सेम टाइम। तो देखिए एक्चुअली है क्या कि ये एक तरीके का एक डेफिनेशन यहाँ दिया हुआ है। ठीक, तो जो ये प्रेटी अगली है तो ये इसके बारे में बात हो रही है, तो ये क्या है, तो ये एक्चुअली क्या है, ऑक्सीमोरॉन है। ठीक है, तो ऑक्सीमोरॉन का मतलब ही होता है कि कोई भी एक ऐसा कह लीजिए वर्ड है या एसोसिएशन ऑफ वर्ड है कि जिसका सेम टाइम पे पॉजिटिव या फिर नेगेटिव मीनिंग जो है वो हो सकता है। तो ऑक्सीमोरॉन यहाँ पर जो प्रेटी अगली दे रखा है तो उसके हिसाब से इस सेंटेंस का मीनिंग क्या, ये जो आगे डेफिनेशन दी हुई है यही हो जाता है कि द ऑक्सीमोरॉन प्रेटी अगली जो यहाँ पे कोटेड पार्ट में है इम्प्लाइज दैट अ पर्सन कैन बी बोथ अट्रैक्टिव एंड अनअट्रैक्टिव एट द सेम टाइम। ठीक है, तो प्रेटी अगली अगर कहीं पर लिखा है तो उसका मतलब ये जो आगे मीनिंग है ये होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि 5 नंबर में देखिए क्या है कि चूज द विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द, तो मतलब सिनोनिम आपको बताना है किसका, साइनिसिज्म का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो 4 ऑप्शन दिए हैं, तो जैसे सिनिसिज्म का मतलब यहाँ पर जो है साइनिसिज्म और सिनिसिज्म, इसको दोनों भी पढ़ देते हैं, तो इसका मीनिंग एक तरीके से होता है कि जैसे काफ़ी उदास सी चीज़ों को, है ना, तो उसी हिसाब से जो यहाँ पे हमारा बिटरनेस है ऑप्शन बी के अंदर, इसका भी मतलब भी वही काफ़ी अप्रसन्न टाइप की चीज़ होती है, तो ये एक तरीके से दोनों आपस में सिनोनिम है। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न के लिए सही है। अगला देखते हैं, अब देखिए यहाँ पे भी मीनिंग बताना है आपको सिनोनिम किसका, पिनाकल का जो ये वर्ड दिया है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा जो ऑप्शन ए है, कल्मिनेशन। ठीक है, ये देखिए ये वाला, तो इसका जो अर्थ होता है मतलब पिनाकल का मतलब भी होता है कि किसी भी चीज़ की जैसे चरम बिंदु है ना, पराकाष्ठा, तो कल्मिनेशन का अर्थ भी वही होता है, एक्सट्रीम पॉइंट ऐसे कह लीजिए इंग्लिश में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, अब देखिए यहाँ पे ऑपोजिट आपको बताना है बी फडल का। ठीक है, जो यहाँ देखिए ब्रैकेट में दे रखा है, तो देखिए इसका जो ऑपोजिट वर्ड होगा हमारा वो हो जाएगा एक्सप्लीकेट। ठीक है, ऑप्शन डी में जो दिया हुआ है, तो बी फडल का जो अर्थ होता है वो जैसे कि ऐसे समझिए कि जैसे कोई किसी चीज़ को सोचने के लिए ही एबल ना हो, ठीक, मदहोश हो जाना जैसे हिंदी बोलते हैं ना, और एक्सप्लीकेट में हो जाएगा कि किसी चीज़ को एक्सप्रेस करना है ना, अच्छी तरीके से बयान करना या फिर किसी आइडिया को डेवलप करके ऐसे एक्सप्रेस करना किसी के। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पे भी ऑपोजिट बताना है आपको, सप्लांट एक वर्ड है तो इसका आपको ऑपोजिट बताना है, तो अब जैसे सप्लांट का वैसे मीनिंग तो एक निकल के आता है जो डिक्शनरी में मिलेगा आपको, उखाड़ना है ना किसी चीज़ को, तो अब यहाँ पे दिए हुए ऑप्शंस में सरेंडर जो है ये मोस्ट सूटेबल है कि किसी चीज़ को, जैसे आप सरेंडर का मतलब तो होता है कि आत्मसमर्पण कर देना, तो अब उखाड़ने के सेंस में वही होगा कि हाँ उसको वहीं पे पुनर्स्थापित कर देना, सरेंडर का ऐसे मीनिंग हो गया, तो ये बी जो ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे, इसमें आपको ईडियम फ्रेज जो है उसका मीनिंग बताना है, तो गेट द मैसेज हमारा जो ईडियम है यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, तो इसका मीनिंग क्या होगा, तो गेट द मैसेज का मीनिंग होगा कि अंडरस्टैंड व्हाट इज इंप्लाइड बाय अ रिमार्क और एक्शन। ठीक,
तो जो एक नॉर्मल सा ये डे टू डे लैंग्वेज में भी यूज़ होता है गेट द मैसेज, तो उसका मतलब यही है कि जो भी एक एक्शन या फिर रिमार्क जो है इम्प्लाइड है, मतलब कि किसी चीज़ के थ्रू एक्सप्रेस हो रहा है, उसको अंडरस्टैंड करना, समझना, गेट द मैसेज। चलिए अगला क्वेश्चन है कि इसमें एडियम है आपका कीप एट बे, ठीक, तो इसका जो मीनिंग होगा वो क्या होगा? तो कीप एट बे का मीनिंग हो जाएगा ऑप्शन बी में जो दिया हुआ है, टू कंट्रोल समथिंग एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम कॉजिंग यू प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो वही हो गया कि किसी चीज़ को है उसको कंट्रोल करना और उसको अपने से दूरी रखना ताकि उससे कोई समस्या ना हो, तो कीप एट बे। चलिए यहाँ पे करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है आपको, तो देखिए एक ही शब्द को चार अलग तरीके से लिखा गया है, तो वर्ड हमारा ये जो इसमें पूछा जा रहा है वो है हिप्नोटिस्ट, तो हिप्नोटिस्ट कैसे लिखते हैं? ऑप्शन डी में जो लिखा है। और हिप्नोटिस्ट का मीनिंग जो होता है वो होता है कि किसी चीज़ को आर्टिफिशियली नींद में लाना, मतलब जो हिप्नोटाइज करते हैं ना ऐसे मोह में कर लेते हैं ऐसे कुछ लोग, तो उनके लिए यूज़ होता है ये। अगला प्रश्न है कि आपके करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, तो देखिए वर्ड है हमारा थियरीज, तो थियरीज कैसे लिखेंगे? तो चार अलग तरीके से लिखा है, तो ऑप्शन डी में जो करेक्ट लिखा है, ठीक है, तो जो सिद्धांत जैसे होता है उसको थियरीज बोलते हैं इंग्लिश में, ये स्पेलिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अब यहाँ पे सीक्वेंस आपको लगाना है, तो देखिए इसका जो आंसर है ऑप्शन बी के हिसाब से अगर हम इसको सेट करेंगे क्यू आर पी के हिसाब से, तो ये एक मीनिंगफुल ऑर्डर निकल के आएगा, आप इसको अरेंज करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि यहाँ पे आपको पैसिव वॉइस बनाना है, सेंटेंस देखिए हमारा क्या दिया गया है कि द मूवी क्रिटिक रोट अ सरकास्टिक रिव्यू, ठीक, तो अब क्या होगा? अ सरकास्टिक रिव्यू देखिए यहाँ से वॉज रिटन बाय द मूवी क्रिटिक, तो ये कहाँ दिया है? ऑप्शन डी के अंदर, ये हमारा करेक्ट पैसिव वॉइस हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, तो देखिए क्या है कि डिराइविंग प्लीजर फ्रॉम इन्फ्लिक्टिंग पेन, ठीक, तो किसी के द्वारा दर्द दिए जाने से खुद को मतलब ऐसे सुख की अनुभूति हो, तो बेसिकली ये होता है सैडिस्टिक, ठीक है। और ये एक्टिविटी जो ज़्यादातर इस तरीके की चीज़ें हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स वगैरह के हिसाब से ये वर्ड यूज़ किए जाते हैं, तो डिराइविंग प्लीजर फ्रॉम इन्फ्लिक्टिंग पेन सैडिस्टिक, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, अब देखिए यहाँ पे जिस प्रकार प्राइमेट को ये लिखा गया है ये कोड है, तो उस हिसाब से काऊ है ना, सी ओ डब्ल्यू ये हमारा वर्ड है, इसको कैसे लिखेंगे, ठीक है, तो इसको देख लेते हैं यहाँ पे। तो इसमें देखिए हो क्या रहा है, जैसे शुरू के मान लीजिए इसका हम प्राइमेट का पी आर आई का कोड देख लेते हैं, तो क्या हो रहा है कि आई में माइनस थ्री हो रहा है, ठीक, तो जो हमारा वर्ड आएगा क्या यहाँ पे देखिए एफ आ जाएगा, फिर उसी हिसाब से आर का जैसे माइनस थ्री होगा तो ये आ जाएगा हमारा ओ है ना, फिर P का जब माइनस थ्री होगा तो आ जाएगा यहाँ M, तो उस हिसाब से ऐसे जब सारे का देखेंगे मेट का भी लिखेंगे तो हमारा ये जो कोड निकल के आया M O F J X Q B, ठीक है, तो उस हिसाब से जब हम काऊ का कोड लिखेंगे तो C O W हमारा काऊ है, अब माइनस थ्री सब में करना है, तो देखिए यहाँ पे जब C से करेंगे माइनस थ्री तो Z आ गया, O से माइनस थ्री करेंगे तो L आ जाएगा, और W से करेंगे तो T आ गया, तो Z L T जो है दिस इज़ आवर कोड, तो ये कहाँ है? ऑप्शन A के अंदर, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि अब देखिए यहाँ पे जो डिक्शनरी में वर्ड्स आते हैं तो उसके हिसाब से ये सबसे पहला वर्ड क्वेश्चन मार्क है, बाकी के तीन बात के दिए हुए हैं, तो इसमें देखिए क्या आएगा, तो चूंकि अब दूसरा वर्ड देख लीजिए तो लाइफ लाइक लिखा हुआ है, ठीक, तो अब चूंकि ये सारे वर्ड में लाइफ है तो चार के बाद पाँचवा वर्ड देखिए, तो पाँचवा यहाँ पर है एल, ठीक, तो पहले में एल है, दूसरे में एस उसके बाद का वर्ड है, ठीक, तीसरे में भी एल है, तो चौथे में डब्ल्यू है, तो ये भी बात का, तो ये दो तो है नहीं, ठीक है ना, सॉरी माफ़ कीजिएगा, हाँ ठीक है, तो जो अब पहला देख लेते हैं, तो अब L के बाद क्या हो रहा है कि लाइक में I आ जा रहा है, तो बट जो पहला ऑप्शन है L के बाद E आ रहा है, तो कहीं ना कहीं वो I से पहले आता है, ठीक, तो ये हो गया पहले, तो कुल मिला के यही हमारा ऑप्शन है, वो C वाले में L के बाद O आ रहा है तो ये तो बात का है, तो वो होगा नहीं, तो ऑप्शन ये जो है ये करेक्ट है। अब देखिए यहाँ पे ऑड चूज करना है आपको, तो 47 और 41 फिर 59 और 63 में ऑड क्या है ये बताना है आपको, तो जो हमारा 63 है ऑप्शन डी के अंदर ये क्या है मतलब डिवाइड हो जाएगा, बाकी के जो तीन नंबर है 47 41 और 59 जो हैं ये जो हैं सारे के सारे क्या हैं आपके प्राइम नंबर्स हैं, मतलब अभाज्य संख्याएं हैं, तो इसलिए ऑप्शन डी हमारा ऑड हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए कि व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी एडेड टू 329 सो दैट द सम इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 7, तो देखिए अगर यहाँ आप ऐसे पहले एक बार डिवाइड करके देख लीजिए क्या है 329 है ना, 7 से करेंगे तो चार बार में यहाँ 28 हो गया और उसके बाद बचा कितना आपका 4, ठीक, तो 49 जो है वो 7 से डिवाइड हो जाएगा, कितनी बार में? 7 बार में, तो हमारा 47 बार में 329 जो है पूरी संख्या कट जा रही है, तो ऐसा कुछ जोड़ना ही नहीं पड़ेगा कि जिससे वो मतलब कि
ये भाज्य है कुल मिला के, तो हमें कुछ जोड़ने की जरूरत ही नहीं है, तो हम यहाँ पे जीरो ऑप्शन जो है उसको चूज कर लेंगे, ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न में देखेंगे कि व्हाट इज द इफेक्टिव डिस्काउंट इन परसेंटेज ऑन टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 15% एंड 50%। तो देखिए वैसे तो इसको इजीली ऐसे मुंहजबानी भी आप सॉल्व कर सकते हैं, पर जैसे कभी ऐसे कोई कॉम्प्लिकेटेड सा आ जाए तो एक फार्मूला आप देख लीजिए, उसके हिसाब से इसको सॉल्व कर लिया करिए। तो फार्मूला हमारा होता है जैसे 2% दिए हुए ना, तो एक्स प्लस वाई, ठीक है, और उसके बाद माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन 100, ठीक है। तो इसके अंदर आप इसको रख लीजिए, क्या हो जाएगा, पहला डिस्काउंट 15 का, दूसरा है 50 का, ठीक है, माइनस 15 इंटू 50 अपॉन 100, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे तो कितना गया ये 57.5%, और ये कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन बी के अंदर, तो ये सही हो गया हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि ए कैन डू अ वर्क इन 15 डेज, बी इन 30 डेज, इफ़ दे वर्क ऑन इट टुगेदर देन इन हाउ मेनी डेज विल दे बी एबल टू डू 50% ऑफ वर्क, ठीक है। तो देखिए यही यहाँ पे नीचे लिखा है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार। तो ए कर रहा है 15 दिन में और बी कर रहा है कितने में, 30 दिन में, ठीक, टोटल वर्क यहाँ 30 आ गया, ठीक है, इनकी एफिशिएंसी क्या आई इसकी 2, इसकी 1, ठीक है। तो अब क्या कह रहे हैं कि 50% काम करने में, तो 30 यूनिट अगर हमारा काम है तो 50% कितना काम हो गया, 15, है ना, तो 15 काम को ये 2 और 1 मतलब टोटल हो गया ए प्लस बी की एफिशिएंसी टोटल हो गई 3, तो 3 की एफिशिएंसी से करेंगे 15 काम को, तो 5 दिन में है ना 50% काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये 5 दिन कहाँ है, ऑप्शन ए के अंदर, तो ये करेक्ट हो गया। चलिए अगला देखते हैं, इसमें तत्सम शब्द आपको बताना है, तो जैसे गर्म, कुर्ता, उद्भव या फिर बांका, तो इसमें तत्सम क्या है, तो जो हमारा उद्भव है ना, ये तत्सम है, बाकी के जो 3 हैं वो तद्भव हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि इसमें से शुद्ध वाक्य आपको चयन करना है, तो एक शब्द मतलब एक सेंटेंस को 3-4 अलग तरीके से लिखा गया है, एक सही है, तो छोटे भाई का स्वभाव ठीक विपरीत था इसके, ये तो गलत है, इसके ठीक विपरीत था छोटे भाई का स्वभाव, ये भी गलत है, छोटे भाई का स्वभाव इसके ठीक विपरीत था, है ना, ये ठीक है, और इसके ठीक विपरीत छोटे भाई का स्वभाव था, ये भी गलत है, तो ऑप्शन सी जो हमारा है, तो इसमें सारी चीज़ें क्रिया और बाकी जो चीज़ें हैं वो अपने स्पष्ट रूप से अपने स्थान पे हैं, तो इस हिसाब से हमारा जो सी ऑप्शन होगा ये करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ये देखिए शब्द एक है युयोत्सु, ठीक है, के लिए अनेक शब्द मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो हम वहाँ देखते हैं इंग्लिश में, तो युयोत्सु वो होता है जो युद्ध करने का इच्छुक होता है ना, जिसको सदैव लड़ने का मन होता है वही होता है, ऑप्शन बी। और फिर है सत्य की विजय होती है वाक्य में प्रयुक्त विशेषण क्या है, ठीक, तो जैसे इंग्लिश में आप एडजेक्टिव देखते हैं तो वही यहाँ पे आपसे विशेषण पूछा जा रहा है, तो देखिए क्या हो रहा है कि सत्य की विजय होती है, ठीक, तो इसमें जो विशेषण वाला मतलब कौन सा विशेषण है उसकी आपको पहचान करनी है, तो सत्य की विजय हो रही है तो ये क्या दर्शा रहा है कि मतलब कि सत्य में कोई गुण है ना जिससे उसकी विजय होती है, तो गुणवाचक विशेषण जो है वो हमारा उत्तर है, परिणाम बोधक जैसे बहुत लोग कन्फ्यूज हैं ये नहीं हुआ, गुणवाचक है, सत्य के गुण की चर्चा हो रही है। चलिए अगला शब्द है यायावर, के लिए अनेक शब्द है, तो यायावर का मतलब क्या होता है, तो यायावर ऐसे समझिए वो होता है जो टूरिस्ट होता है ना इंग्लिश में जो बोलते हैं कि मतलब एक स्थान पर टिक कर न रहने वाला, ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न है कि इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड पेमेंट इकोसिस्टम फॉर ट्रांसपोर्ट बेस्ड ऑन नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड स्टैंडर्ड्स वॉज लॉन्च्ड इन, तो यही चीज़ यहाँ देखिए हिंदी में है कि नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड मानकों के आधार पर परिवहन के लिए भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र कब लॉन्च किया गया था, तो यहाँ पे देखिए कुछ महीने और वर्ष दिए हुए हैं, तो ये कब लॉन्च हुआ था आपको ये बताना है, तो मार्च 2019 में इस NCMC कार्ड की जो है एक तरीके से कह लीजिए कार्ड और जो उसका इकोसिस्टम है पूरा ट्रांसपोर्ट के ट्रैवल के लिए उसको लॉन्च किया गया, और इस कार्ड का जैसे एक मतलब इस कार्ड का बेसिकली फीचर क्या है कि जैसे दिल्ली वगैरह में जैसे मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं तो जो मेट्रो वहाँ पे है, ठीक, बसेस हैं, फिर पार्किंग है ना, और इस तरीके की तमाम चीज़ जिसमें मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन ट्रैवल से रिलेटेड चीज़ों का है, तो उसकी पेमेंट उस सिंगल कार्ड से हो सकती है, जैसे पहले सबके लिए अलग अलग कार्ड्स होते थे, तो इन सबको कंबाइन करके एक नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड को लॉन्च किया गया। चलिए अगला प्रश्न है एन इंटीग्रेटेड सर्किट ऑल्सो रेफर्ड एज IC चिप इज अ सेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ऑन अ स्मॉल प्लेट इज मेड ऑफ, ठीक है, तो क्या कहा जा रहा है कि एक एकीकृत सर्किट होती है ना, जैसे मान लीजिए ऐसे इसमें कुछ सर्किट्स वगैरह बनी है एक प्लेट के अंदर, है ना, जिसे IC चिप भी कहते हैं, और ये एक छोटी प्लेट पर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का एक सेट होता है ना, तो जो ये हमने बताया कि मान लीजिए कोई सेट है,
तो ये पूरा जो है ये किससे बना होता है ये पूछ रही है, मटेरियल क्या है। तो ये बनता है आपका सिलिकन से, ठीक है। ऑप्शन बी जो है दिस इज करेक्ट। अगला प्रश्न है कि एन एग्जाम्पल ऑफ एन इनपुट डिवाइसेस, ठीक है। तो प्रोजेक्टर जो है क्या, उससे हम आउटपुट लेते हैं ना, किसी चीज़ को डिस्प्ले करते हैं कहीं पे। हेडफोन से भी म्यूज़िक का आउटपुट आता है, साउंड कार्ड से भी आउटपुट ही आ रहा है साउंड का, बट जो वेब कैम है उसमें हम इनपुट देते हैं, है ना। जो भी वेब कैम या हम अपने खुद को कहीं ट्रांसमिट करते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या और भी चीज़ों में, तो ये एक इनपुट डिवाइस है। चलिए अगला है कि एन अल्टरनेट नेम ऑफ द कम्प्लीटली इंटरकनेक्टेड नेटवर्क टोपोलॉजी। तो जैसे पहले भी हमने बताया आपको कि नेटवर्क टोपोलॉजीज जो होती हैं, जैसे स्टार, बस, है ना, मैश, ट्री, रिंग, है ना, ये सब चीज़ें हैं। तो जो ये मैश वाली होती है ना, तो जैसे मान लीजिए नोड्स हैं, ऐसे कंप्यूटर्स हैं, चार पाँच हैं, तो सारे के सारे आपस में ऐसे एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क से जुड़े होते हैं। तो मैश जो टोपोलॉजी है, ये है आपका इस क्वेश्चन के लिए आंसर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि विच वॉज द फर्स्ट न्यूज़पेपर टू बी पब्लिश्ड इन इंडिया। तो जो सबसे पहला न्यूज़पत्र जो है भारत में प्रकाशित हुआ समाचार पत्र, वो था आपका बंगाल गजट, ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि बाई विच एक्ट इन ब्रिटिश इंडिया मुस्लिम्स वर गिवन द राइट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। तो ये आपका जो पृथक निर्वाचन दिया गया था 1909 का जो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म था उसके द्वारा, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ दीज वुमेन सोशल रिफॉर्मर्स वॉज कॉल्ड पंडिता। तो पंडिता किसको बोलते थे, तो पंडिता थी या रमाबाई, ठीक है। ऑप्शन बी जो है, ये एक सोशल रिफॉर्मर थी जब इंडिया कह लीजिए ब्रिटिशर्स के अंडर में था, तो इनको पंडिता कहा जाता था, ठीक है। तो ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न है कि अभिनव भारत विच वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1904। तो पहला फैक्ट आप ये याद रखिए कि अभिनव भारत की स्थापना जो है वर्ष 1904 में हुई थी। ये भी पूछा जा सकता है आपको किसी दूसरे फॉर्म एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो पूछ रहे हैं कि ये क्या था, है ना, अभिनव भारत जो 1904 में स्थापित हुआ वह क्या था। तो ये एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन था, रिवोल्यूशनरी जो एक्टिविटीज़ थी उससे संबंधित, ठीक है। तो यहाँ देखिए चार ऑप्शन और जो दिए हुए थे, तो पहला जो है हमारा ये करेक्ट है, ठीक है। जो विनायक दामोदर सावरकर थे, इसके संस्थापक थे, तो एक क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंध एक गुप्त संगठन था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि इसमें देखिए कुछ ये ट्राइब्स दे रखी हैं और इसके संबंधित स्थल दिए हुए हैं। तो जैसे किर्गिज जो है वो मध्य एशिया में पाई जाती है, अभी ठीक है। मसाई जो है वो वेस्टर्न अफ्रीका में पाई जाती है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये वेस्टर्न यहाँ गलत दिया, यही जो है ऑप्शन ये गलत है, ठीक है। रेड इंडियंस जो है उत्तरी अमेरिका में होते हैं, एस्किमोज जो है वो ग्रीनलैंड, मतलब जो आर्कटिक सर्किल के पास ग्रीनलैंड है वहाँ पे पाए जाते हैं। बट जो ये मसाई ट्राइब है, ये जो आपका ईस्टर्न अफ्रीका है ना, स्पेशली कीनिया और तंजानिया की जो कंट्री है वहाँ पे ये मसाईज पाए जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है दिस इज इनकरेक्टली मैच। चलिए अगला प्रश्न है कि सिक्किम बिकेम अ न्यू स्टेट, है ना। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था 36 सितंबर का, ठीक है, 1976 का, इसके थ्रू इसको एक राज्य बनाया गया सिक्किम को। और सिक्किम के बारे में ही कई बार एक प्रश्न ये पूछते हैं कि इनमें से, जैसे दे देंगे आपको चार ऑप्शन की, इनमें से कौन सा एक राज्य है जो पहले केंद्र शासित प्रदेश नहीं था, चूंकि नॉर्थ ईस्ट के ज़्यादातर स्टेट्स जो हैं वो यूटी हुआ करते थे। तो सिक्किम जो था इसको बस सीधे एक स्टेट बनाया गया था, पहले ये ऑटोनॉमस रीजन हुआ करता था, ठीक। चलिए अगला देखेंगे, आर्टिकल 170 के बारे में आपसे कहा जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 170 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, है ना, जो स्टेट्स की होती हैं, कैन नॉट एक्सीड व्हाट नंबर ऑफ मेंबर्स इलेक्टेड बाय डायरेक्ट इलेक्शन फ्रॉम द टेरिटोरियल पोलिंग एरियाज ऑफ द स्टेट, ठीक। तो मान लीजिए जैसे कि अब यही चीज़ यहाँ नीचे हिंदी में लिखा है, तो जैसे समझिए कि उत्तर प्रदेश जो राज्य है तो विधानसभा की सीटें यहाँ सबसे ज़्यादा हैं, ठीक। तो अब अनुच्छेद 170 के अंदर, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में एक फैक्ट आप यही ध्यान दीजिए कि 170 में क्या चीज़ का प्रावधान है, ये पूरा का जो स्टेटमेंट है वही है। तो इसके अंदर किसी भी एक राज्य के जो कह लीजिए प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा जो सदस्य चुने जाते हैं विधानसभा के लिए, उनकी संख्या किसी से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो जो 500 मेंबर होते हैं, ये एक वहाँ पर लिमिट है, 500 से ज़्यादा मेंबर वहाँ पे किसी राज्य विधानसभा में डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू नहीं चुने जा सकते, ठीक। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो गया, बी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ सूरत सेशन ऑफ कांग्रेस 1907। तो 1907 का जो सूरत का अधिवेशन हुआ, जिसमें कांग्रेस में दो भाग हो गए, एक नरम दल का हो गया और दूसरा गरम दल, है ना, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट का। तो इसके जो आपके अध्यक्ष थे वो थे राज बिहारी घोष, ठीक, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखेंगे कि इफ़ द इंक्रीज इन डिमांड इज ग्रेटर दैन द इंक्रीज इन सप्लाई देन द प्राइस। तो जाहिर सी बात है कि अगर आपूर्ति में वृद्धि की अपेक्षा मांग में वृद्धि अधिक है ना, आपूर्ति आपके पास है नहीं, तो जो कीमतें हैं वो बढ़ेंगी। तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा, है ना, क्योंकि खरीदने वाले बहुत लोग हैं और सामान है नहीं मार्केट में, तो कीमतें बढ़ जाएंगी।
चलिए अब है कि इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वर द गोल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इनकॉर्पोरेटेड, है ना। तो संविधान के जो लक्ष्य थे, है ना, ऐसे समझिए कि जब ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रस्तुत किया था संविधान सभा में, तो वही एक तरीके से भारत की कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीएम्बल है उसी को बोलते हैं क्या, हमारा जो संविधान के लक्ष्य हैं प्रस्तावना में ही उसको समाविष्ट किया गया। तो प्रस्तावना जो है इस प्रश्न का सही उत्तर है, है ना, ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न है कि हु अमंग द फॉलोइंग कांग्रेस लीडर्स वॉज नॉट अ मॉडरेट। तो जैसे अभी हमने बताया ना कि 1907 में क्या हुआ, कांग्रेस का विभाजन हो गया, तो जो मॉडरेट वाला सेक्शन था उसमें इनमें से कौन नहीं था, तो जो एक्सट्रीमिस्ट वाला ग्रुप था, है ना, तो ये जो तीन ऊपर के नाम दे रखे हैं ये सब एक्सट्रीमिस्ट थे, ठीक, गर्म दल वाले थे, मॉडरेट नरम दल वाले नहीं थे। तो इसका आंसर फिलहाल जो होगा उपर्युक्त सभी हो जाएगा, और शॉर्ट फॉर्म में इनको लाल बाल और पाल के नाम से जानते थे, ठीक, जैसे लाल हो गया लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से बिपिन चंद पाल। अगला प्रश्न देखेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस इन विच एंशियंट सिविलाइजेशन वॉज द फर्स्ट यूज ऑफ ग्लास फाउंड। तो जो कांच का प्रथम उपयोग होना पुरातात्विक प्रमाणों के आधार पर किस प्राचीन सभ्यता में पाया गया, तो जो इसका सही उत्तर है ये आपका जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी वहां से सर्वप्रथम कांच का उपयोग जो है ये आपको मिलता है। चलिए अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा जो है वो बाकी के तीन से भिन्न है। तो देखिए मक्का है, फिर बेथलम है, फिर ननकाना साहिब है, फिर सारनाथ है। तो देखिए मक्का भी जो है वो बाहर है, है ना, गल्फ कंट्री में हो गया, विदेश में हो गया। बेथलम भी है ना आउट ऑफ द इंडिया ही है। ननकाना साहिब जो है वो भी पाकिस्तान में। तो इसका जो लॉजिक बनाने का क्वेश्चन का है वो एक तरीके से कह लीजिए विदेश और जो भारत देश में है, तो सारनाथ जो है वो इंडिया में है, है ना। तो इस हिसाब से अब चूंकि ये महापुरुषों और कह लीजिए जो रिस्पेक्टिव धर्म हैं उनसे संबंधित लोगों के स्थल हैं, है ना, धार्मिक स्थल, तो भारत का जो है उसको इसमें से भिन्न चूज कर लेंगे, तो ऑप्शन डी। अगला है कि द मोस्ट कॉमन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर। तो आपको जाहिर सी बात है पता है कि वातावरण में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है, तो ये ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि विच विद रेफरेंस टू कॉजेज ऑफ अर्बनाइजेशन कंसिडर द फॉलोइंग, ठीक। तो अब इसको हिंदी में पहले नीचे दिखा देते हैं, इंग्लिश में भी इंग्लिश वाले देख सकते हैं। देखिए नगरीकरण के कारणों के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो पहला है कि ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों को उच्च दर से पलायन, ठीक। तो पहला तो है ना कारण है ही है कि शहरीकरण का ये कारण है, ठीक। दूसरा है नगरों में शैक्षणिक संस्थाओं की बढ़ती संख्या, बिल्कुल ठीक है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में शैक्षणिक संस्थानों की कमी है। तीसरा है ग्रामीण क्षेत्रों में रहन सहन का ऊंचा स्तर, ये गलत है। अगर ग्रामीण क्षेत्रों में रहन सहन का ऊंचा स्तर होगा तो शहर में पलायन या नगरीकरण होगा ही क्यों। तो ऑप्शन ए और वन और टू जो है ये हमारा करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न है कि द वर्ड सॉवरेनिटी, है ना, मतलब संप्रभुता जैसे हिंदी में बोलते हैं, इज डिराइव्ड फ्रॉम ये सुपर एनएस। तो ये जो सुपर एनएस शब्द है ये किस भाषा का शब्द है आपसे ये पूछा जा रहा है, तो ये आपका है लैटिन वर्ड, ऑप्शन बी जो है दिस इज करेक्ट। सॉवरेनिटी जो है एक लैटिन शब्द है। अगला है कि इन व्हाट फॉर्म कैन द बुद्धा बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड, है ना। तो बुद्ध भगवान का सर्वोत्तम वर्णन किस रूप में किया जा सकता है, तो इसका जो बुद्ध जी का जो सबसे कह लीजिए उत्तम वर्णन सर्वोत्तम वर्णन किया जा सकता है वो एग्नोस्टिक मतलब अज्ञेयतावादी के रूप में किया जा सकता है, ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री कैन जनरली बी डिटरमाइंड बाय। तो क्या होगा कि किसी देश का विकास सामान्यतः किससे निर्धारित किया जा सकता है, तो उसकी प्रति व्यक्ति आय से, उसके औसत साक्षरता स्तर से, उसके लोगों के स्वास्थ्य के स्तर से। तो ये तीन के तीनों से ही तो किसी देश के विकास का निर्धारण कर सकते हैं ना, तो ये तीनों ही सही हैं, ऑप्शन डी जो होगा ये करेक्ट हो गया कि किसी देश का डेवलपमेंट इन तीनों चीज़ों की वजह से ज़्यादा होता है, आगे बढ़ता है। 49 में है कि विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट प्रपोर्शन ऑफ रूरल पॉपुलेशन एज पर 2011 सेंसस। तो अब दिए हुए राज्यों में जो ग्रामीण जनसंख्या का सबसे अधिक अनुपात है वो है हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट है। बिहार में नहीं है इतना लोगों ने माना है, इन दिए हुए ऑप्शंस में हिमाचल प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। चलिए ये प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। तो देखिए यहाँ पे कुछ महापुरुषों के नाम है और उनको जो कुछ कह लीजिए उनको एक अलग उपाधि दी गई थी या कोई स्पेशल नामों से बुलाया जाता था वो लिखे हुए हैं। तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, ये बिल्कुल ठीक है। लाला लाजपत राय का क्या है, शेर ए पंजाब, ये भी बिल्कुल ठीक है। लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख को बोलते थे, ये भी ठीक है। बट नाइटिंगल ऑफ इंडिया जो है ये पंडिता रमाबाई को नहीं, किसको बोलते थे, सरोजिनी नायडू को, है ना। तो ऑप्शन सी जो है ये इनकरेक्ट पेयर है।
तो आप हमें कमेंट करके भी ये बताइए कि पंडिता रमाबाई को क्या स्पेशल और बुलाते थे भी या नहीं बुलाते थे, ऐसा कुछ उनका नाम था तो हमें प्लीज़ कमेंट करके बताइए। तो यहाँ तक ये 50 क्वेश्चन सॉल्व किए हमने, है ना। अगले क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करेंगे, बने रहिए हमारे साथ। तब तक जय हिंद।